नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश मौली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी हम बाड़मेर से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके एक गांव के अंदर आए हैं। मगरा गांव है, जहां पर एक सांप बताया जा रहा है, जो सांप बहुत जहरीला बताया जा रहा है, और वो सांप है जो टाके के अंदर गिरा हुआ है। तो अभी हम आपको चलकर दिखाते हैं सांप कहाँ पर बैठा है, जहरीला है या नहीं है। तो दोस्तों, अभी आपको हम सांप दिखाते हैं कहाँ पर बैठा है सांप। दोस्तों, सांप इसी के अंदर बताया जा रहा है, और ये हमारे इधर जो छोटे छोटे पानी के स्टोर के लिए टैंक बनाए जाते हैं, इसी के अंदर बाहर एक देखो एक जो पाइप रखा जाता है, और इसी पाइप के जरिए सांप अंदर की ओर आ गया है। तो अभी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे सांप कहां पर बैठा है टाके के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम आपको सांप नज़दीक से दिखाएंगे सांप कहां पर बैठा है। दोस्तों, आपको सांप दिखाई दे रहा होगा फन फैला के, ये भारत का दूसरे नंबर जहरीला सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों, ये आपको अंधेरे में भी दिखाई दे रहा होगा। देखो दोस्तों, नज़दीक से सांप को, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, और ये जब भी बाइट करता है तो इंसान के पास मात्र 45 मिनट से एक घंटा शेष रहता है। जब और अगर उस टाइम में ये अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी जान बच जाती है, नहीं तो ये कई बार जान भी ले लेता है दोस्तों। और जब भी ऐसा सांप काटे तो आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाना है, ना कि कोई झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ना है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बाहर निकाल कर पूरा रेस्क्यू करके दिखाएंगे, फिर इसे हम जंगल के अंदर छोड़ देंगे। मैं गया पाछा, स्टार्ट किया था, स्टार्ट चालू है वीडियो। चलो पाछा बंद कर दियो, मतलब ये देखो बहुत बड़ा सांप है, देखियो मुकेश माली रेस्क्यू। वाओ, देख लो विथ रेस्क्यू बोट मुकेश माली। बंद कर दो, आटो करो फोन ना पाछो। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप इस सांप को टाके से रेस्क्यू कर दिया गया काफी मशक्कत के बाद। तो दोस्तों, यह सांप जो देखो हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, काफी दिन से ये पानी के अंदर गिरा हुआ था, देख सकते हैं दोस्तों। जब भी ये खतरा महसूस करता है तो उस टाइम ये फन फैला के किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि ये भारत का दूसरे नंबर जहरीला सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप इस सांप को रेस्क्यू कर दिया गया। तो अभी हम इसे बैग में पैक करके और जंगल के अंदर सुरक्षित छोड़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को काफ़ी हद तक शेयर करें, और अभी हम इसे एक डबल है प्लास्टिक को बंद करो, मैं पैक करो डबल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखो ये भारत का दूसरे नंबर जहरीला सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा। दोस्तों, ये फिर टांके की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम थोड़ा वहां से दूर हटा देते हैं कि वापस हमें मशक्कत नहीं पड़े। तो ये गलती आप कभी भी ना करें, क्योंकि यह सांप बहुत ही जहरीला, अगर किसी को काट लेता है तो इंसान की 45 मिनट या एक घंटा लगते लगते मौत हो जाती है, अगर टाइम पर इलाज नहीं मिले तो। और कभी भी यह सांप काटे, जब भी आपको किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना है,
और देखो दोस्तों ये किस तरीके से अटैक की स्थिति में है। डबल ले आओ रहा दोस्तों, आप ये कभी भी ना करें क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट का है और मैं ये काम पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ तो इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ दोस्तों। और दोस्तों आप ये गलती कभी भी ना करें, यह काम एक एक्सपर्ट का है और मैं यह काम पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। और आप कोई भी वीडियो या फोटो देखकर मेरी बिल्कुल भी नकल ना करें क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जहरीला सांप है। दोस्तों इसका आखिर रेस्क्यू कर दिया गया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नई रेस्क्यू के साथ।